हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परदेसी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी, आप इसे पुलाव भी बोल सकते हैं। चलिए इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको बताते हैं। 750 ग्राम चिकन है, 100 ग्राम मेरा दही है, 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 8 से 10 हरी मिर्च है, एक प्याज है, ये चिकन को बॉयल करने में जाएगी, एक लहसुन है वो, एक चम्मच सौंफ है, 1.5 चम्मच धनिया है, 8 से 10 इलायची है, 5 से 6 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 3 पत्ता है, काली मिर्च है, 2 मीडियम साइज की प्याज थी, कुछ मसाले, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 3 गिलास चावल है, रोज वाटर है, कोला वाटर है, ये बाद में यूज में आएगा, 2 चम्मच नमक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यखनी बनाने की, हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, साथ में ये मसाले देखा इसको ऐड करेंगे, लहसुन और प्याज और 2 चम्मच नमक का ऐड करते हैं, 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, 2 अब इसको बॉयल करेंगे, गोश्त भी हमारा गल जाए और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं इसका फ्लेवर भी अखनी में आ जाए। अखनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसको छानेंगे, इसका गोश्त अलग करेंगे और स्टॉक अलग करेंगे, आगे का प्रोसेस आपको भी दिखा। देखिए हमने गोश्त को छान लिया, गोश्त को अलग कर लिया, अखनी को अलग कर दिया है, अब हम आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। 100 ml ऑयल लिया था, ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया है, अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हम गोल्डन करके निकाल लेंगे, प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, अब हम इसको अलग निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा भूनेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून गया है, अब इसमें अगर हम दही ऐड करेंगे, साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, दही को भी भूनेंगे, दही हमारा भून गया है, इसमें पानी अच्छी तरह छोड़ दिया था, इसमें हमने जो थोड़ा सा बिरयानी का मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक का वो ऐड करेंगे, इस तरह को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन को बॉयल किया था अपनी बनाई थी वो ऐड कर देंगे, चिकन को हमने भून लिया, अब इसमें फ्राई की हुई प्याज डालेंगे, 2 मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें जो हमारा स्टॉक था वो ऐड कर देंगे, हम इसमें स्टॉक ऐड कर देंगे। स्टॉक में एक बॉयल आ जाए उसके बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे, अखनी हमारी बॉयल हो गई, अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे और इसको एक बार मिक्स करेंगे इस तरह से, थोड़ा पानी कम हो जाए तो हम इसको दम लगाएंगे।
पानी हमारा चावल खुश हो गया, अभी इसको हम दम लगाएंगे। फूड कलर और थोड़ा वाटर लास्ट में ऐड करेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे। माशाल्लाह से हमारा लजीज मुरादाबादी पुलाव तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। पहले इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। रोज वाटर 1 चम्मच, 1 चम्मच क्योला वाटर ऐड करेंगे। माशाल्लाह से मुरादाबादी बिरयानी में सौंफ और जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे। माशाल्लाह से हमारी लजीज मुरादाबाद की बिरयानी तैयार है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे चावल हैं। लजीज बिरयानी तैयार है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आम बिरयानी से थोड़ी ये अलग होती है। आप इसको अपने घर पे ट्राई करिए। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।